हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अब मैं ग्रेटर नोएडा आ गई हूँ और ये देखिए, दो तीन दिन मुझे याद मतलब आए हुए हुआ और इधर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। दिसंबर में तो ऐसे भी ठंड हर जगह होने लगती है, लेकिन यहाँ ग्रेटर नोएडा में थोड़ा हरियाली ज़्यादा है, तो देखिए ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये देखिए, आज हम लोग एक मॉल में जा रहे हैं कि अल्फा बीटा में है। हम लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, तो ये देखिए मॉल में जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ शॉपिंग करना है, जैसे जाड़े का कंबल, स्वेटर, ये सब लेना है। तो ये देखिए, हम लोग मॉल में पहुँच गए हैं और ये अच्छा है, हमारे घर के एकदम पास में ही है, तो 10-15 मिनट लगता है। तो हम लोग देखिए गाड़ी पार्किंग में लगा दिए हैं, और संडे का दिन था तो यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी मॉल के अंदर। तो देखिए, और हम लोग ये देखिए पहुंच गए हैं शोरूम में। तो जैसे वो सवाल में हम लोग गए, तो वहाँ पे कंबल उम्बल वो सवाल का लेना था, उसके शोरूम में गए, फिर मैक्स में गए। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, और हमारी पोती भी है, उसको थोड़ा थोड़ा फीवर है, बुखार है, तबीयत थोड़ा ख़राब था, लेकिन अब जाना था। तो देखिए टोपी ओपी लगा कर उसको कपड़े वगैरह पहना कर लेकर गए, और मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुछ लेना था, बस वूलन कपड़े वगैरह लेने थे। तो देखिए, और जब हम लोग वहाँ शोरूम में पहुँचे, तो वहाँ पर अनाया जो है सारा सामान देख के इधर उधर इधर उधर दौड़ी, तो हम लोग इसको स्टॉलर पर बैठा दिए। देखिए स्टॉलर पर बैठे तो थोड़ा गुस्से में हो गई है कि क्यों मुझको यहाँ बैठा दिया गया है। तो देखिए, हम लोग मैक के शोरूम में गए, जहाँ पर कि बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब हर लोगों के कपड़े, लेकिन बच्चों के कपड़े यहाँ पर समझ में आता है। तो मैक्स पे जाने के बाद फिर हम लोग लिफ्ट से नीचे गए, मतलब हर शोरूम में, वो सवाल के शोरूम में। तो देखिए, ये देखिए, अब हम लोग वो सवाल में गए हैं। तो यहाँ से स्वेटर वगैरह लेना था और कंबल लेना था, तो यहाँ पे बहुत अच्छे कंबल मिल रहे थे, स्वेटर भी अच्छे मिल रहे थे, मतलब वूलन का हर चीज़ बहुत ही अच्छा यहाँ पे मिल रहा था। और वो सवाल अच्छी कंपनी भी है, तो उसका मतलब सॉफ्ट भी उसके कपड़े होते हैं। देखिए देखिए, कपड़े लेने के बाद फिर हमारी अनाया जो है, इनको वहाँ पे दिख गया प्ले एरिया। तो देखिए, ये देखिए प्ले एरिया दिख गया। अब प्ले एरिया देखने के बाद अनाया एकदम, जैसे इनका एकदम दौड़ दौड़ के उसी जगह पे जाना था। देखिए सारे बच्चे अपना, यहाँ पे कोई गाड़ी चला रहे थे, कोई खेल रहे थे, तो अनाया को इस वाले एरिया में जाना था। यहाँ पे फुटबॉल वगैरह रखा था, और देखिए तो यहाँ ये घुस गई, और यहाँ का चार्ज इतना था कि 10 मिनट का 100 रुपये ले रहा था। तो हम लोगों ने कहा, भैया कम से कम 15-20 मिनट तो आप खिलाओ बच्चों को। और ये देखिए, फिर इनको यहाँ बहुत ही मज़ा आ रहा था, और एक लड़का था जो कि बाहर से देख रहा था, तो मैंने कहा भैया तुम भी अंदर चले जाओ, तो ये भी इसके साथ खेलने लगा। ये देखिए, इसको जंप करा रहा है, खूब हंस रही थी अनाया, खूब कूद रही थी, गिर रही थी। तो बच्चों का तो यही होता है कि मॉल में जाए तो प्ले एरिया ये ढूंढ ही लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इनने अपना खूब मस्ती वगैरह किया। फिर उसके बाद हम लोग शॉपिंग वगैरह करके अपना थोड़ा नाश्ता वास्ता किए, उसके बाद ये देखिए अब हम लोग पहुँच गए हैं कैफेटेरिया में। अब यहाँ पे तो अनाया अपना खूब इंजॉय कर रही थी, ये देखना है, वो देखना है, सारा खाने पीने की चीज़ें देख रही। खाना तो उनको कुछ नहीं रहता है, बस उनको देखना रहता है, बस इधर उधर तोड़ेंगी गिराएंगी, यही करना होगा। ये देखिए कैफेटेरिया में इनको बर्गर वर्गर ये सब देख रही है। थोड़ा हम लोग नाश्ता वगैरह किए, चाय कॉफ़ी पिए, उसके बाद वहाँ से हम लोग चले आए घर। और अनाया के मौसी के लड़के का बर्थडे था, तो उसके लिए भी कपड़ा वगैरह लेना था, तो वो भी लिया गया। देखिए कैफेटेरिया में सब, और वहाँ हम लोग बैठे थे जब नाश्ता कर रहे थे, तो यहाँ पर हमको एक कबूतर दिखा, छोटा सा कबूतर भी घूम रहा था, वो दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ पर अनाया जाने के लिए कर रही है, तो अच्छा मॉल है, अच्छी जगह है, ग्रेटर नोएडा में है।
सामान ही समझ में आ रहा था, एकदम पास में है अल्फा में ही मॉल पर, देखिए कबूतर। तो मैंने इसका भी वीडियो बना लिया है, तो आप लोग ऐसे हमारे चैनल को देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।